तो हे गाइस, अगर आप भी इस तरीके का सेम टू सेम पोस्टर अपने मोबाइल से बनाना चाहते हैं तो गाइस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और दोस्तों पूरा देखना, तो ये जो है आपको समझ में आने वाला है। और दोस्तों किस तरीके से क्या करना है सारा प्रोसेस आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना, नहीं तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे पार्ट है जो कि आपको समझ में नहीं आएंगे। तो गाइस आइए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हे गाइस, फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। और दोस्तों मोबाइल के स्क्रीन पर आने के बाद सिंपली आपको करना क्या है, पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अगर दोस्तों आपके पास नहीं है तो सिंपली आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहां से जाकर आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है, यहां पर दोस्तों आपको 3 डॉट दिखाई देगा, सिंपली इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा यूज इमेज फ्रॉम गैलरी, सिंपली दोस्तों यहां पर आपको क्लिक कर देना है। तो गाइस ये जो हमें गैलरी में लेके चला जाएगा। अब दोस्तों यहां से एक फोटो को ले लेता हूं और दोस्तों इस फोटो को आपको किस तरीके से डाउनलोड करना है वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा। अब दोस्तों इस तरीके से यहां पर क्लिक करके ले लेता हूं। अब दोस्तों यहां पर एक आपको राइट का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर ये जो शो कर रहा है इसको दोस्तों डिलीट कर देना है। यहां पर दोस्तों डिलीट का ऑप्शन है, सिंपली इस पर टैप करना है, देन दोस्तों ओके पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों वो जो है डिलीट हो जाएगा। अब दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है, सिंपली दोस्तों यहां पर आपको एक प्लस का आइकन शो करता होगा, सिंपली दोस्तों इस पर टैप करना है। देन दोस्तों यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा फ्रॉम गैलरी, सिंपली दोस्तों यहां पर आपको क्लिक कर देना है। तो गाइस ये जो है गैलरी में लेकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहां से जो है कुछ पीएनजी है उसे ही दोस्तों मैं ले लेता हूं। आपको दोस्तों सिंपली अगर आप गूगल पे सर्च करोगे स्वतंत्र दिवस की शुभकामनाएं टेक्स्ट पीएनजी तो आपको बहुत सारे पीएनजी मिल जाएंगे। तो गाइस ये जो है इस तरीके से ले लिया हूं। अब दोस्तों सिंपली मैं यहां पर राइट के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा, तो गाइस ये जो है इस तरीके से आ जाएगा। अब दोस्तों सिंपली इस तरीके से आपको थोड़ा मोड़ा कम कर देना है, यानी कि दोस्तों जूम आउट कर देना है। अब दोस्तों इसको जो है इस तरीके से आपको सेट कर देना है। अब दोस्तों सिंपली क्या करना है, इस पर दोस्तों क्लिक करना है, देन दोस्तों आपको यहां पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ा आगे जाना है, यहां पर दोस्तों आपको एक स्ट्रोक का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। देन दोस्तों इसको जो है अनेबल कर देना है। तो गाइस ये जो है इस तरीके से हो जाएगा। आप इस तरीके से कलर भी चेंज कर सकते हो, आपको जो भी पसंद आता है इस तरीके से आप लगा सकते हो। तो गाइस मैं जो है इसी तरीके से रहने देता हूं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में करने का है, फिर से दोस्तों आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, देन दोस्तों गैलरी में चले जाना है। गैलरी में जाने के बाद दोस्तों यहां से एक और पीएनजी है उसे भी दोस्तों मैं ले लेता हूं। तो गाइस यहां से जो है मैं इस वाले पीएनजी को ले लेता हूं। तो गाइस ये जो है इस तरीके से है, सिंपली दोस्तों इसको इस तरीके से क्रॉप करना है, देन दोस्तों इसको राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो गाइस ये जो है इस तरीके से आ जाएगा। अब दोस्तों सिंपली आपको करना है क्या है, इसको दोस्तों इस तरीके से थोड़ा मोड़ा जूम कम कर देना है और इसको जो है इस तरीके से आपको यहां पर सेट कर देना है। तो गाइस ये जो है थोड़ा इसको और छोटा कर देंगे ताकि दोस्तों ये जो है आसानी से बैठ जाए। तो गाइस ये जो है इस तरीके से हो गया। अब दोस्तों इसको जो है इस तरीके से आपको जूम कर देना है। तो गाइस ये जो है इस तरीके से बन जाएगा। अब दोस्तों सिंपली क्या करना है, इसके अंदर दोस्तों हमें फोटो लगाना है, यानी कि दोस्तों इसके अंदर हमें अपना फोटो लगाना है। तो उसके लिए दोस्तों सिंपली क्या करना है, सिंपली दोस्तों यहां पर प्लस का आइकन दिखाई देगा, सिंपली इस पर क्लिक करना है, देन दोस्तों गैलरी में जाना है। गैलरी में जाने के बाद दोस्तों यहां से दोस्तों ये वाला फोटो लगाता है, सिंपली मैं ये वाले फोटो को ले लूंगा। और दोस्तों इसका जो बैकग्राउंड है उसको दोस्तों किस तरीके से रिमूव करना है आपको वीडियो के एंड में वो भी बता दूंगा। तो गाइस ये जो है इस तरीके से आपको कर लेना है। देन दोस्तों यहां पर आपको राइट का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। और गाइस इसको जो है इस तरीके से थोड़ा मोड़ा कम करना है और गाइस जितना भी हो सके इस तरीके से आपको अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। तो गाइस मैं बता रहा हूं इसीलिए दोस्तों मैं फटाफट बता रहा हूं ताकि दोस्तों टाइम का वेस्ट ना हो। तो गाइस इसी तरीके से आपको भी सेट कर लेना। तो गाइस मैं जो है इस तरीके से सेट कर लिया। अब दोस्तों सिंपली करने का है, यहां पर दोस्तों क्लिक करना है, देन दोस्तों इसको थोड़ा मोड़ा छोटा कर लेना है क्योंकि दोस्तों ये जो है फोटो के साइज के बराबर नहीं आ रहा है। तो गाइस ये जो है इस तरीके से सेम टू सेम आपको कर लेना है। तो गाइस अब आप देख सकते हो कि पूरा परफेक्ट तरीके से लग चुका है। अब दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है, सिंपली दोस्तों इस फोटो पे क्लिक करना है, देन दोस्तों थोड़ा इस साइड में आना है। यहां से दोस्तों आप इस तरीके से स्क्रॉल करोगे तो यहां पर दोस्तों शैडो का ऑप्शन आ जाएगा, सिंपली इस पर क्लिक करना है, देन दोस्तों इसको भी अनेबल कर देना है। तो गाइस ये जो फोटो है दोस्तों इस तरीके से आ जाएगा, जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब दोस्तों इस तरीके से हो गया। अगर दोस्तों इसको आपको कलर भी चेंज करना है तो गाइस यहां पर आपको कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली इस पे क्लिक करना है, देन गाइस यहां इसको अनेबल कर दोगे तो गाइस इस तरीके से जो है इसका कलर भी इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। तो गाइस इसी तरीके से जो है आप कर सकते हो। तो गाइस मैं जो है इस तरीके से कर लेता हूं। अब दोस्तों इसके अंदर जो है अच्छे से दिख नहीं रहा है, इसके लिए दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है, यहां पर दोस्तों आपको एक स्ट्रोक का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली इस पे टैप करना है, देन दोस्तों इसको भी अनेबल कर देना है। तो गाइस अब जो है ये थोड़ा मोड़ा अच्छा दिखने लगा। तो गाइस इसी तरीके से जो है आपको भी कर लेना है। सिंपली आपको करना क्या है, यहां पर दोस्तों एक प्लस का आइकन दिखाई देगा, सिंपली दोस्तों इस पे क्लिक करना है, देन दोस्तों यहां पर आपको टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली इस पे क्लिक कर देना है, देन दोस्तों यहां पर जो है अपना मोबाइल नंबर दे देना है। तो गाइस यहां पर जो है मैं कोई भी एक मोबाइल नंबर टाइप कर देता हूं और दोस्तों दे देता हूं। तो गाइस इस तरीके से जो है को भी टाइप कर लेना है। तो गाइस ये जो है इस तरीके से हो गया। अब दोस्तों इसको जो है इस तरीके से यहां पर सेट कर देना है। इसका दोस्तों जो फ्रंट है आप इस तरीके से चेंज कर सकते हो, सिंपली दोस्तों ए पर टाइप करना है, देन दोस्तों यहां पर दोस्तों थोड़ा
देन दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा इस साइड में जाओगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको फ्रंट का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली इस पर क्लिक करना है। देन दोस्तों यहाँ से आप कोई भी फ्रंट सेलेक्ट कर सकते हो। तो गाइस मैं जो इसको ही रहने देता हूँ, तो गाइस ये जो इस तरीके से आ जाएगा। अब दोस्तों इसको कुछ इस तरीके से बड़ा छोटा भी कर सकते हो और दोस्तों अपने हिसाब से आप इस तरीके से सेट भी कर सकते हो। अब दोस्तों इसके अंदर जो है कलर भी ऐड कर सकते हो, तो कलर ऐड करने के लिए सिंपली आपको यहाँ आना है। यहाँ पर दोस्तों आपको कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली इस पर टैप करना है। देन दोस्तों यहाँ से आपको जो भी कलर देना है इस तरीके से आप दे सकते हो। और दोस्तों इसको भी शैडो देना है तो थोड़ा लास्ट में आ जाना है, लास्ट में सबसे आपको शैडो का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली इस पर क्लिक करना है। देन दोस्तों इसको भी एनेबल कर देना है। तो गाइस आप देख सकते हो कि जो हमारा फोन नंबर है वो दोस्तों कितना अच्छा दिखने लगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो रेड दिख रहा है यहाँ पर दोस्तों आपको अपना नाम लिख लेना है। तो गाइस किस तरीके जिस तरीके से दोस्तों मैंने नंबर ऐड किया उसी तरीके से दोस्तों सेम टू सेम आपको नाम भी ऐड कर लेना है। तो गाइस ये जो पोस्टर है वो पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि फोटो को किस तरीके से डाउनलोड करना है और दोस्तों अपने फोटो का बैकग्राउंड को किस तरीके से रिमूव करना है। तो गाइस उसके लिए सिंपली क्या करना है आपको, दोस्तों यहाँ पर गूगल में चले जाना है, गूगल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च करना है KVM हेल्प। तो यहाँ पर दोस्तों मैं सर्च कर लेता हूँ KVM हेल्प। तो गाइस जैसे ही आप सर्च करोगे आपके सामने दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो सबसे पहला वेबसाइट खुल कर आ रहा है सिंपली दोस्तों इस पर टैप करना है। देन दोस्तों ये जो है इस तरीके से ओपन होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट दोस्तों ओपन हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो रक्षाबंधन का पोस्टर, स्वतंत्र दिवस का पोस्टर, आपको जिस भी टाइप का पोस्टर चाहिए इस तरीके से आप ले सकते हो। तो गाइस सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो गाइस यहाँ पर जो है मुझे 15 अगस्त का चाहिए तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करूँगा। देन दोस्तों ऐड आएगा तो इस तरीके से आपको कट भी कर देना है। तो गाइस यहाँ पर जो आपको दिख सकता है यहाँ पर बहुत सारे फोटो आ चुके हैं, आपको जिस भी टाइप का पोस्टर चाहिए इस तरीके से आप ले सकते हो। तो गाइस मुझे जो है इस तरीके का चाहिए तो सिंपली मैं इस फोटो पर क्लिक कर दूंगा। देन दोस्तों यहाँ पर थोड़ा नीचे आना है, सबसे दोस्तों नीचे में आना है, इस तरीके से आपको स्क्रॉल करना है और दोस्तों एकदम सबसे नीचे में आ जाना है। तो गाइस यहाँ पर जो है सबसे नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको दिखाई देगा फोटो, यहाँ पर दोस्तों आपको सिंपली दिखाई देगा पोस्टर का बैकग्राउंड डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। दोस्तों यहाँ पर जो है कुछ सेकंड का ऑप्शन आ रहा है, तो गाइस ये जो सेकंड चला जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, सिंपली दोस्तों उस पर टैप कर देना है। तो गाइस जो भी फोटो होगा वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से बैकग्राउंड को रिमूव करना है। तो गाइस उसके लिए सिंपली करना क्या है, यहाँ पर दोस्तों मैं कट कर देता हूँ। देन दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली सर्च करना है remove.bg। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ remove.bg। यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद दोस्तों सबसे पहला जो वेबसाइट खुल कर आ रहा है सिंपली आपको इस पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद दोस्तों सिंपली करना क्या है, यहाँ पर दोस्तों आपको अपलोड इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो भी फोटो होगा उसको दोस्तों इस तरीके से ले लेना है। तो दोस्तों यहाँ से जो है इस फोटो को मैं ले लेता हूँ और दोस्तों डन पे ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये जो है ऑटोमेटिक आपका फोटो का बैकग्राउंड चेंज करके दे देगा। तो गाइस आप देख सकते हो कि फोटो का जो बैकग्राउंड था वो दोस्तों पूरी तरीके से चेंज हो गया और गाइस हमारा फोटो जो है इस तरीके से हो गया। अब दोस्तों डाउनलोड कर लेंगे, सिंपली यहाँ पर दोस्तों क्लिक कर दोगे तो आपका जो भी फोटो होगा वो दोस्तों डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज के वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके का पोस्टर सेम टू सेम अपने मोबाइल से किस तरीके से बनाया जाता है और अपने उस फोटो को किस तरीके से एडिट किया जाता है। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।